बेरा कदा जमा इधर थिए बेटा कैटर क्या उसका भी नहीं बेरा कहने लग रही जी एक एफआईआर दर्ज आपका नाम लेके हाँ। और पत्रकार का नाम लेके करवाई गई जी। बता दें देवा ठाकुर ने लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है अपने खतरा में महसूस हो रहा है जी हां फिर भिड़ना छत्तम आदन की जरूरत थी। नमस्कार मैं सतेंद्र सिसाई हमारे पास डॉक्टर सिक्किम मौजूद है आपने बता दें देवा ठाकुर ने लेके कंट्रोवर्सी बनी हुई है लगातार आरोप हैं प्रतिरोप हैं लगन लग रहे हैं और बहुत ज्यादा वीडियो वायरल भी चल रही हैं लगातार बात क्या है कुछ पूरा मुद्दा मामला क्या है बातचीत आपके करावांगे जी। नमस्कार। नमस्कार ये जी बात करना लगातार आप भी आरोप लगा रहे हो पहले तो कुछ और बात थी कहने लगे कि देवा ठाकुर साध्वी है आप तक खतरा भी है आपने उन तक खतरा है पहली बार बेरा पटाया भाई बंदूक वाले ने नहीं हथे लोगों का खतरा है हमने तो बेरा को नहीं पटाया था भाई वो बंदूक ले रहे हो जब मैं बम तो ले रही हूँ फिर तो मेरे तक खतरा हो सका है। पहली बार ऐसा होया कि जिस जो बंदूखा का साया मैं चल रहा हूँ उन्हें हथे लोगों का है उनकी डर लग गया है इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है हम सामाजिक लोग हैं उनकी डरना भी चाहिए। लगातार आपकी तरफ से भी आरोप लगाए जाने लग रहे देवा ठाकुर पर जी आप कह रहे हो कि मेरे बच्चे पीछा करने लग रहे हैं जी हमने धमकी देने लग रहे हैं जी और एक चलो ये बताओ पहले तो नहीं एक बात बताओ धमकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीछा होया पीछा कराया जा रहा है और एक बात बताओ अलग अलग जो लोग उनके गिले रवे हैं उनका थाने में मेरे खिलाफ FIR कटवाने लग रहे हैं यदि किसी ने कोई समस्या होगा मोदी ने मेरे से कोई समस्या है मेरे से FIR कटवाओ योगी ने कोई समस्या है तो वो मेरा कटवाओ। और एक बात नहीं समझ में आती मेरा भी हर हर उचाना थाना था कहीं कैथल थाना से कहीं निसिंग थाना से कहीं करनाल थाना था इतनी FIR होगी मेरे तो समझे में नहीं आ रही भाई मैं लेडीज हूँ एक किसान नेता हूँ एक आतंकवादी हूँ मेरा समझता बहरा रहेगी बात या मैं पूरे हरियाणा पूरा हरियाणा की सरकार से मैं कहना चाहती हूँ और मैं पूरे हरियाणा की सरकार से यह बात कहना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ और मैं कहीं भी जाके इस चीज़ से निपटने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात इस चीज़ को वो लोग भूल जाए कि मैं डरूंगी या मेरे पे मानसिक दबाव बनाया जाओगा मैं किसी थाने में पेश नहीं होंगी क्योंकि मैंने ना तो कोई गुनाह किया और ना मैं करती यदि उनको लगता है कि मैंने गुनाह किया है तो वो मेरे को उठा के ले जा सकते हैं उचाना धरना से और मेरे बेटे को मेरे पति को और मेरे को जान से खतरा है साध्वी देवा ठाकुर से क्योंकि उसके बड़े लिंक है वो कहती है कि मेरे को तो MP MLA सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं जबकि हमारे से तो MP MLA गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय वो भाग रहे हैं और ये RSS की दल्ली है इसी वजह से ये समस्या हुई हुई है क्योंकि पूरा प्रशासन शासन इसके साथ है मेरे साथ सिर्फ मेरा समाज है और मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। और इसकी सिर्फ सिक्किम नहीं हुई अत्याचार की शिकार अब 4 पत्रकार भी है नरवाना के जो नई हेडलाइन है शायद आप लोगों को नहीं पता पत्रकारों को 3 घंटे बंदी बना के उनके ऊपर बंदूकों के साथ दबाव डाला गया यानी मीडिया का ऊपर भी बंदूक का पहरा है तो सोचने की बात है एक आम महिला कहां तक उसका मुकाबला करेगी जब पत्रकारों को ही अंदर रोक के उनसे वीडियो डिलीट कराई जाती है उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है और उनके खिलाफ ही FIR कराई जाती है। आप कहने लग रही जी एक FIR दर्ज आपका नाम लेके हाँ। और पत्रकार का नाम लेके करवाई गई जी आपका नाम काट दिया गया बाद में मेरा नाम तो इसका मामला क्यों हुआ कि पत्रकार ने काटे आपका क्यों काटे बेरा नहीं बीजी गणी तकड़ी पहुंच होगी भी मन्ने तो बेरा को नहीं किसने तो लिखा था किसने कट्टा है क्योंकि उन तीनों बेरा मैं पेश होया को नहीं कर दी इनकी बेरा था लंबा खींचागा मामला ये भी देख ले हैं क्योंकि वो ये बात आतंकवादी तो हो गए फिर असली वाले तो हो जा मैं पेश नहीं होंगी बिल्कुल भी क्योंकि जे मैंने गुनाह नहीं कराया तो मैं पेश नहीं होंगी यदि मैं मेरी आत्मा नु मानने की मैंने कोई गुनाह कराया है तो पेश होंगी मैं मेरे भारत के संविधान के खिलाफ एक कदम भी नहीं रखती और जे मैं एक कदम भी खिलाफ नहीं रखती तो मैं कोर्ट और थाने जाना अपनी तोहिन मानती हूँ। आप कहने लग रहे हो तो नहीं बेरा कदा जमा इधर थी कैटर क्या उसका भी नहीं बेरा क्योंकि घनी बड़ी मतलब हुआ है साध्वी है वो उसका वो पैन गेला जमाए तो नहीं कैट दिया और पता कर लियो कदा धरती तय ठाण का कैथर कैट रखा हो मैं नहीं तसल्ली करती किसी सिस्टम पे आपने खतरा में महसूस हो रहा है जी हाँ फिर भिड़ा छत्तम आदन की जरूरत थी जे इसे भी डांगे छाते नू है मतलब समाज ना खाए जावेंगे नहीं कद तक पैर बचावेंगे इसे भी डांगे छाते रोज टोके जावेंगे जो धर्म का नाम की फीम खुआन लग रहे हैं ना जो RSS के लोग हैं जो हमारी मतलब मातृशक्ति के ऊपर अत्याचार करना चाहे हैं तो वो चीज़ नहीं होगा यो जो धर्म है नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चीज़ें जो गोल गोल कर रहे हैं ना इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सबसे पहले एक इंसान है हम इंसानियत की भाषा समझते हैं हम हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में या किसी धर्म में या किसी अडंबर में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते मैं उससे पूछना चाहती हूँ कल मोखरे वाली के तो खिलाफ बोल रही थी वाह
और आज खुद तांत्रिक क्रिया करती है, उसके खुद भाई बतावा उनका गांव बताने लग रहा, वहां से वीडियो जारी हुआ है, वो सत्संग लगा हुआ है। किस चीज का सत्संग है भाई? देश तो मतलब बेरोजगारी तो जूझन लग रहा है, बालक तो हमारे फांसी खा के मरने लग रहे हैं, खाने ने दाने को नहीं, रोटी सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, जमीन सुरक्षित नहीं, जमीन सुरक्षित नहीं, तो कहाँ क्या हो रहा है? इस देश में डंबर फैलाने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल डंबर और पाखंडवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ और आज नहीं हमेशा रहूंगी। यदि आपने भगवान देखना है, आप आंख बंद करके कहीं भी भगवान को याद कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, वहाँ नमस्कार कीजिए, भगवान भाव का भूखा है, आपके पैसे का नहीं, जिसने पूरी सृष्टि रचाई है। आप क्या पढ़ाना चाहते हैं हमें इक्कीसवीं सदी में? हम ये चीज पूछना चाहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हो हम लोगों से? हम जैसी माता बहने समाज के लिए खड़ी हैं, तो हमारे लोगों का किसी का मानसिक चीरहरण किया जाता है, किसी का शारीरिक चीरहरण किया जाता है, हम ये चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्किम जी, मामला क्या था जिसमें इतना मामला ने तुल पकड़े आपके बीच और साधु जी के बीच में? मामला कुछ नहीं था, मैं धमतान गई हुई थी, धमतान एक बिजली प्रकरण था, वहाँ एक शहादत हुई थी। वहाँ किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा कि बहन जी, जो हमारा सिंगम है वो भी एक सत्य की आवाज उठा रहा था, मतलब आम पब्लिक के लिए काम कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा भाई सत्यम जो सिंगम है, सिंगम के खिलाफ साध्वी देवा ठाकुर ने ये बयान दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बुंदले पहनने से, कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता, उसके करैक्टर के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें फिट होना पड़ता है। सिर्फ कपड़े पहनने से या वेशभूषा धारण करने से हमें उस संस्कारों के अंदर, उस संस्कृति के अंदर ढलना होता है। जो चीज उनको बुरी लगी, ये बुरी लगी तो लाख बार उन्होंने बोला कि एक ऐप दरवासा बोली है, जितनी अबद्र उसने बोली है उससे ज्यादा तो बोली को नहीं होगी, और उसकी 1.5 मिनट की मेरे द्वारा वीडियो भी है जिसमें उसने जमा सब कुछ तार तार कर रखा, जिसी वहां साध्वी है सारा समाज ने बेरा है, सारा जो असंध है करनाल है, वहां के पत्रकार तो कवर भी नहीं कर सकते। ये तो नरवाना वाले पत्रकार की मैं ये मानती हूँ इंसानियत है, जो उनकी सच्चाई बाहर लेकर आए, और सच्चाई बाहर लेकर आए तो देख लो आज क्या हाल हो रहा है। वह तो उन्होंने कहा है मैं तो बंदूक का दम पर शासन करूंगी, ये तो ऊपर शासक हो रही है, तड़े शासक हो रही है। धन्यवाद।